कि रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने घातक हथियारों की मार देखी है, जो कि शायद आज तक कभी नहीं दिखाई दी थी इसके पहले। फिर चाहे वो मिसाइलों की बारिश हो या फिर ड्रोन से मची तबाही हो, दुनिया ने वो सब कुछ देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। छोटे से दिखने वाले ड्रोन इतने घातक भी हो सकते हैं, ये शायद अब तक कोई नहीं जानता था। लेकिन ड्रोन से उजड़े यूक्रेन के शामियाने और रूस की बख्तरबंद गाड़ियां, उन्हें देखकर हर कोई अब सोच में पड़ गया है। अमेरिकी ड्रोन से जीतेगा यूक्रेन, स्विच ब्लेड से हारेगा रूस, पुतिन मचाएंगे शाहिद से संहार, महायुद्ध में गेम ऑफ ड्रोन। रूस यूक्रेन महायुद्ध में दुनिया ने मिसाइलों की गरज देखी, टैंकों की धमक देखी, फाइटर जेट की गुर्राहट सुनी, बारूदी गुबार से यूक्रेन को ढकते हुए देखा और गोलियों की तड़तड़ाहट के सामने लोगों को कांपते भी देखा। इस युद्ध में कुछ ऐसा नहीं था जो आज तक हुए किसी युद्ध में नहीं हुआ हो। लेकिन फिर इतिहास बदला और शुरू हुआ गेम ऑफ ड्रोन। मामूली सा दिखने वाला ये घातक हथियार पलक झपकते दुश्मन के किले में घुस गया और चंद मिनटों में सब तबाह कर दिया। मिसाइलों से जितनी जमीन चलनी हुई थी उससे कहीं ज्यादा इसके एक धमाके ने रूस को नुकसान पहुंचाया। नाम है स्विच ब्लेड ड्रोन। बाइडन ज़ेलेंस्की की मदद के लिए स्विच ब्लेड ड्रोन यूक्रेन को दे रहे हैं, जिनकी मदद से यूक्रेन रूस के टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, बंकरों और सैनिकों पर आसमानी आफत गिरा रहा है। अपने नाम की तरह स्विच ब्लेड सिर्फ विस्फोट नहीं करता, अगर इंसान की ऊंचाई के बराबर तेजी से उड़ जाए तो कई सैनिकों को गहरे घाव भी दे सकता है। अमेरिकी कंपनी एरो विरोनमेंट ने दो तरह के स्विच ब्लेड ड्रोन्स तैयार किए हैं। स्विच ब्लेड के दोनों ही वर्जन तबाही की नई तारीख लिख रहे हैं। कामिकाजे के पहले वर्जन का नाम है स्विच ब्लेड 300, जिसका वजन 2.26 किलोग्राम होता है और ये 15 मिनट तक आसमान में मंडरा सकता है। स्विच ब्लेड 300 की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्विच ब्लेड 600 कामिकाजे के दूसरे वर्जन का नाम है स्विच ब्लेड 600, जो करीब 22 किलोग्राम वजन का होता है, 40 मिनट तक ये आसमान में मंडरा सकता है, 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर अटैक करता है और दुश्मन का किला ढहा देता है। इसे आप रोबोटिक स्मार्ट बम भी कह सकते हैं। मॉस्को को झुकाने के लिए कीव इस ड्रोन को अपना सबसे घातक हथियार मान रहे हैं, जो मिसाइलों से भी सस्ता है और मिसाइलों के बराबर ही युद्ध में दम दिखा रहा है। बाजार में धड़ल्ले से बिकने वाले ड्रोन रूस यूक्रेन जंग में दोनों सेनाएं खूब इस्तेमाल कर रही हैं। दोनों सेनाओं की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मनों का ठिकाना खोजने, मिसाइल दागने और आर्टिलरी फायरिंग में हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेनी सेना के पास मौजूद अमेरिकी ड्रोन उसे जंग में जीत दिलाएंगे, मिसाइलों की कमी पूरी करेंगे और पुतिन के प्रहार से यूक्रेन को महफूज रख पाएंगे? टैंकों की धमक को क्या मामूली सा ड्रोन कम करेगा? रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका लगातार यूक्रेन को नए नए हथियार दे रहा है। ड्रोन के इस दम पर यूक्रेन ने रूस को युद्ध में बैकफुट पर ला दिया था।
अमेरिका से मिले ड्रोन रूसी अड्डों, टैंकों, सैनिकों और विमानों को तो बर्बाद करेगा ही, लेकिन खुद भी बम की तरह फटकर तहस नहस हो जाएगा। इसलिए ड्रोन का डर यूक्रेनी सेना दुश्मनों का ठिकाना खोजने के साथ मिसाइल दागने और आर्टिलरी फायरिंग में कर रही है। इसके अलावा भी यूक्रेनी सेना के पास तुर्की का वो ड्रोन है जो आतंक के लिए जाना जाता है, नाम है बेरत्तार TB2। बेरत्तार TB2 लेजर गाइडेड बमों से लैस छोटे प्लेन के बराबर का ड्रोन है जो निगरानी करने के साथ साथ हमला करने में सक्षम है, यानी बम और मिसाइल गिरा सकता है। 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले इस ड्रोन की रेंज 4000 किलोमीटर है, यानी इतनी दूरी तक हमला या जासूसी करने जा सकता है। एक बेरत्तार ड्रोन की कीमत 17 लाख पाउंड तक हो सकती है। इसलिए रूस और यूक्रेन दोनों छोटे और कमर्शियल मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। युद्ध में चाहे तोपों को निशाना बनाना हो या दुश्मन के रडार सिस्टम को नष्ट करना, जमीन पर तबाही मचानी हो या आसमान में गोले बरसाना, धरती, समंदर, बंकर, हर कहीं ड्रोन कारगर साबित हो रहे हैं। महायुद्ध में हो रहे ड्रोन से हमले द्वितीय विश्व युद्ध के जापान की रणनीति याद दिलाते हैं, जब जापानी पायलट अपने फाइटर प्लेन में गोला बारूद भरकर दुश्मन के ठिकानों से जा टकराते थे और इस तरह वो अपनी जान देकर दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। जाहिर है गोला बारूद के स्टॉक के मामले में यूक्रेन की हालत रूस से काफी कमजोर है, इसलिए आसमान से निगरानी करते हुए टारगेट तलाशने और उन पर ड्रोन से हमला करना यूक्रेन के लिए किफायती है। दुश्मनों का ठिकाना ढूंढने और हमले को दिशा देने के मामले में रूस और यूक्रेन दोनों के ड्रोन काफी कारगर साबित हुए हैं, लेकिन महायुद्ध में यूक्रेन के सामने रूस भी कहीं पीछे नहीं है। अगर अमेरिका से मिले ड्रोन की मदद से यूक्रेन जंग में जोश भर रहा है तो रूस का साथ देने के लिए ईरान हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। रूस के पास मौजूद ड्रोन बारूदी बवंडर उठाने में किसी दूसरे देश से कम नहीं है। महायुद्ध की शुरुआत में रूस ने कुछ हजार ड्रोन के साथ लड़ाई शुरू की थी, हो सकता है अब उसके पास कुछ 100 ही ड्रोन बचे हों, लेकिन ये ड्रोन कैमरों से लैस हैं, साइज में छोटे हैं, लेकिन आतंक फैलाने में सबसे ज्यादा बलवान। शाहिद 136 की मदद से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। यह ड्रोन बम बरसाता नहीं है बल्कि खुद एक बम की तरह है जो अपने टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है। इसलिए ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को उड़ता बम भी कहा जाता है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला यह ड्रोन कैमरे और विस्फोटक से लैस होता है, और एक बार शाहिद 136 ड्रोन अगर अपना टारगेट लॉक कर ले तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। शाहिद 136 ड्रोन कई घंटे तक उड़ान भर सकता है। शाहिद 136 की खासियत है कि ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और एंटी एयरक्राफ्ट गन को भी चकमा दे सकते हैं। अब यूक्रेन के सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि वो सीमित एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करे। शाहिद 136 ड्रोन विस्फोटकों के साथ टारगेट से टकराने के बाद तहलका मचा देते हैं। खासियत यह है कि ये पहले टारगेट एरिया में रेकी करते हैं, इलाके को भांपते हैं, दुश्मन की नजरों से बचकर टारगेट से टकराते हैं और सब तहस नहस कर देते हैं। जंग के इस काल में रूस ने अपने सबसे घातक हथियारों से यूक्रेन की जमीन को छलनी करने की कोशिश की। बारिश की तरह मिसाइलें बरसाई और बारूद के धुएं से पूरे यूक्रेन को ढक दिया। यूक्रेन पर चौतरफा हमला किया, लेकिन कहीं से कामयाबी की किरण नहीं दिखी तो रूस ड्रोन के जरिए जीतने के लिए मैदान में उतर आया। यूक्रेन के पलटवार की वजह से रूस को नए सिरे से हमले करने में दिक्कतें होने लगी थी, जिसका तोड़ निकालने के लिए उसने ईरान के शाहिद ड्रोन का सहारा लिया, जिसका तोड़ अब किसी के पास नहीं है। रूस के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले शाहिद 136 ने जंग का रुख ही मोड़ दिया है।
यूक्रेन समेत पश्चिमी देश चाहकर भी इन्हें पूरी तरह से रोक नहीं पा रहे हैं। रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। आलम यह है कि पूरा यूक्रेन अंधेरे में डूब रहा है। रूस ने शाहिद 136 ड्रोन की मदद से यूक्रेन पावर स्टेशन, आवासीय इमारतों और रेलवे से जुड़े आधारभूत ढांचों को नेस्तनाबूद कर दिया है। युद्ध में ड्रोन का मिलना रूस के लिए जंग में कमबैक करने जैसा है। ड्रोन का ऐसे तहलका मचाना बाकी देशों को भी युद्ध में नई रणनीति का सबक दे रहा है। आने वाले वक्त में जंग में ड्रोन का इस्तेमाल आम होता जा रहा है और दुश्मन से आगे रहने के लिए इसकी लगातार मदद ली जा रही है। ऐसा हमने आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में देखा और अब यूक्रेन में तो इससे बहुत बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। और वहीं यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि रूस पर ज़ेलेंस्की के घड़ियाल ने हमला बोल दिया है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की स्नाइपेक्स एलिगेटर राइफल की, जिसने रूसी खेमे में मचा दिया है कोहराम। 6.5 फुट लंबी और 25 किलो वजन की इस राइफल को दुनिया की सबसे ताकतवर राइफल माना जाता है। रूस की बख्तरबंद गाड़ियां, विमान, तोप और टैंक्स मगरमच्छ की ताकत वाली इस बंदूक के सामने धड़ाधड़ ढेर हो रहे हैं। रूस की सेना के लिए यूक्रेन की स्नाइपेक्स एलिगेटर एक ऐसा खतरा बन गई है जिससे पार पाना रूस के बस में दिखाई नहीं दे रहा है। ये राइफल चुन चुन कर यूक्रेन के दुश्मनों को निशाना बना रही है। बर्फ के नीचे से, झाड़ियों के पीछे से यूक्रेन के स्नाइपर रूसी सैनिकों पर अब तक की सबसे खतरनाक राइफल से मौत बरसा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने पाला मगरमच्छ। पुतिन की फौज पर अब मगरमच्छ से होगा हमला। बैकफुट पर आई रूसी सेना। अब आया यूक्रेन का एलिगेटर। मिसाइल जैसी रेंज, दानों जैसा कद और मौत की सौदागर, यह है रूस के खिलाफ यूक्रेन के सबसे घातक हथियारों में से एक। ये है स्नाइपेक्स एलिगेटर, यानी ऐसी राइफल जिसने युद्ध में बरपा दिया है ऐसा कहर, जिससे रूस आ गया है बैकफुट पर। यूक्रेन ने दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर राइफल्स में से एक स्नाइपेक्स एलिगेटर से रूस के खेमे में कोहराम मचा दिया है। स्नाइपेक्स एलिगेटर की ताकत के आगे रूस की सेना घुटने टेक रही है। धड़ाधड़ ढेर हो रहे हैं। अगर इस राइफल से निकली गोली अपने टारगेट तक पहुंच गई तो एक बात तो पक्की है और वो है मौत। मौत की सौदागर है एलिगेटर, फौलाद को भी पार कर जाती है। पुतिन की बख्तरबंद गाड़ी भी इससे डरती है। रूस की सेना के लिए यूक्रेन की स्नाइपेक्स एलिगेटर एक ऐसा खतरा बन गई है
जिससे पार पाना रूस के बस में नहीं दिखाई दे रहा। ये राइफल चुन चुन कर यूक्रेन के दुश्मनों को निशाना बना रही है। बर्फ के नीचे से, झाड़ियों के पीछे से यूक्रेन के स्नाइपर रूसी सैनिकों पर अब तक की सबसे खतरनाक राइफल से मौत बरसा रहे हैं। यही नहीं, रूस के विमानों को हवा में ही निशाना बनाने के लिए भी यूक्रेनी स्नाइपर इसी शक्तिशाली स्नाइपेक्स एलिगेटर का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसा क्या खास है इस दानव रूपी राइफल में कि इसके सामने पुतिन की सेना के हाथ पैर फूल गए? इंसान से भी ऊंची है यह राइफल। लंबी रेंज से गेम बदल देती है। यह है यूक्रेन युद्ध की सबसे ताकतवर राइफल। स्नाइपेक्स एलिगेटर की कुल लंबाई करीब 6.56 फीट है, जिसमें से इसके बैरल की लंबाई ही करीब 3.93 फीट है। राइफल का कुल वजन करीब 25 किलो है। स्नाइपेक्स एलिगेटर की मारक रेंज करीब 2 किलोमीटर है, लेकिन ये 5000 मीटर तक गोली फायर कर सकती है। इस राइफल से निकलने वाली हर गोली 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दूरी तय करती है, यानी इधर गोली चली और 2 सेकंड में टारगेट ध्वस्त। राइफल में मजल ब्रेक और रिकॉयल आइसोलेटर भी लगा है ताकि इसके झटके को नियंत्रित किया जा सके और कंधे को नुकसान ना पहुंचे। मौत की सौदागर स्नाइपेक्स एलिगेटर की तस्वीरें आपको चौंका सकती हैं। किसी आम इंसान की औसत लंबाई से भी ज्यादा इस राइफल की लंबाई है, और सिर्फ राइफल ही नहीं, इसकी गोलियां भी कम खतरनाक नहीं दिखती। स्नाइपेक्स एलिगेटर की मैगजीन में कुल 5 राउंड होते हैं, यानी एक बार में 5 गोलियां भरी जा सकती हैं। इसकी गोलियों का कुल व्यास 14.5 मिलीमीटर या आधा इंच होता है। गोली की लंबाई 4.48 इंच होती है। गोलियां जब टारगेट से टकराती हैं तो 12 टन ऊर्जा पैदा करती हैं। गोलियों की आवाज कम करने के लिए साइलेंसर का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी अगर इस राइफल की गोली के सामने कोई इंसान आ जाए तो उसके पर खच्चे उड़ना तय है, और अगर इसके सामने कोई मजबूत धातु आ जाए तो उसमें छेद कर देना इस राइफल के लिए मामूली बात है। इसकी एक गोली से पैदा होने वाली 12 टन ऊर्जा इतनी ज्यादा ताकत रखती है कि बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, विमान किसी भी टारगेट को आसानी से भेद सकती है। बड़े से बड़े कवच में छेद कर देना इस राइफल के लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर टारगेट नजदीक है तो ये 1 इंच से ज्यादा मोटी धातु को भी छेद सकती है। यूक्रेन ने इस राइफल के बूते अभी तक रूस के कई हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स और सैनिकों को मारा है। अब आप समझिए कि अगर एक स्नाइपेक्स एलिगेटर की इतनी ताकत है तो अगर ऐसी कई राइफलें एक साथ गरज पड़े तो सामने वाले का क्या होगा। स्नाइपेक्स एलिगेटर नाम के इस खतरनाक राइफल को चलाने के लिए जितने आतुर यूक्रेन के पुरुष सैनिक हैं, उतनी ही बेचैन महिला सैनिक भी हैं। युद्ध क्षेत्र में यूक्रेन की महिला सैनिक आसानी से इस भारी भरकम राइफल को चलाती दिखाई देती हैं। इस राइफल से वो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स और विमानों को निशाना बनाती हैं। मारियोपोल में मददगार थी स्नाइपेक्स एलिगेटर। 2021 से यूक्रेन की सेना कर रही है इस्तेमाल। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्नाइपेक्स एलिगेटर का इस्तेमाल युद्ध के शुरुआती दिनों में यूक्रेनी सैनिकों की अजोव ब्रिगेड के सैनिकों ने मारियोपोल की रक्षा के लिए किया था। अजोव ब्रिगेड के निशानेबाजों ने इस बंदूक से रूसी सेना की हालत खराब कर दी थी। हालांकि यूक्रेन की सेना ने इस राइफल का इस्तेमाल करना 2021 में ही शुरू कर दिया था। यूक्रेनी सैनिक रूस के सैनिकों, हल्के बख्तरबंद वाहनों, कम्युनिकेशन उपकरणों, गोला बारूद और फ्यूल स्टेशन को निशाना बनाने के लिए इस राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2017 में इराक में एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान कनाडा के एक स्नाइपर ने सबसे लंबी रेंज की फायरिंग का रिकॉर्ड बनाया था, जब उसने 3,540 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर स्नाइपर गन से निशाना लगाया था।
यूक्रेन की स्नाइपेक्स एलिगेटर उस कनाडाई स्नाइपर की गन से भी दो हाथ आगे है, क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि इस राइफल की गोली 5000 मीटर दूर तक जा सकती है। स्नाइपेक्स एलिगेटर एक एंटी मटेरियल राइफल है, यानी किसी भी धातु वाले टारगेट पर इससे सीधा हमला किया जा सकता है। साल 2020 में इस नई और अत्याधुनिक राइफल का उत्पादन शुरू हुआ। इसे यूक्रेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स में बनाया जा रहा है। ब्रिटिश सैनिक दे रहे हैं ट्रेनिंग। इस खास राइफल को चलाने के लिए खास ट्रेनिंग की भी सख्त जरूरत होती है, जिसके लिए ब्रिटिश सेना आगे आई। ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस युद्ध में शामिल हो रहे यूक्रेन के नए रंग रूटों को इस राइफल के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के पास ये स्नाइपेक्स एलिगेटर राइफल इतनी बड़ी संख्या में मौजूद है कि रूसी सेना में इससे घबराहट का माहौल है, क्योंकि ये राइफल यूक्रेन में ही बनाई जा रही है। इसलिए भी यूक्रेनी सेना के पास इसकी कोई कमी नहीं। जंग के मैदान में इस साइलेंट किलर ने कोहराम मचाया हुआ है। और जब तक यूक्रेन के पास अपना ये मगरमच्छ मौजूद है, तब तक रूसी सेना की नींद यूं ही उड़ी रहेगी।